हम प्रूनिंग और ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। अभी आपने सुना पीछे के मैंने आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारा प्रूनिंग और ट्रेनिंग का। प्रूनिंग और ट्रेनिंग आपको पता ही लग जाएगा, शब्दों से ही पता लगना चाहिए कि क्या बात कर रहा हूं मैं। प्रून करना, काटना, प्रूनिंग हो गया। ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ? कि पौधे को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग लेनी है। तो जो ये पौधा है, अभी हम जहां पर मनाली के बुरवा गांव में है, तो पूरे एक यहाँ की ना बीमारी हमारे शिमला तक पहुंची, कुल्लू की बीमारी, कुल्लू बीमारी बोलूंगा मैं उसको। वो क्या बीमारी थी कि यहाँ नर्सरी की बीमारी, नर्सरी की क्या बीमारी थी? ये बीमारी। यहाँ से जो फेदर ट्री, मेरे हिसाब से पीछे नहीं लग रहा, जी तो बैठ जाओ आप लोग, सबको दिखेगा, सब लोग क्योंकि जी यहाँ पर जो भी अगर कोई नर्सरी मैन है वो भी ध्यान दे, क्योंकि जी तभी हम बोलते हैं कि हर चीज का ना एक कनेक्शन होता है, इंडस्ट्री में हर चीज का योगदान। अगर नर्सरी मैन अच्छी क्वालिटी का पौधा नहीं पैदा करेगा, गलत वैरायटी देगा, तो आपको और हमारी पूरी इंडस्ट्री को नुकसान है। और अगर वो अच्छा पौधा तैयार नहीं करेगा उसका भी नुकसान है। तो ये नर्सरी मैन का 10-20 और ज्यादा पैसे ले लो, मगर ये चीज ना दो हमारे को। शुरू की उनकी मेहनत, वो क्या करते हैं जब फेदर ट्री बनाते हैं ना जी, तो जैसे ही कट मारेंगे ना एक, तो छोड़ देंगे पौधा। और ये जो आपको दिख रहा नहीं है, ये उनकी मार है, गलत बोल रहा हूँ जी मैं, है ना, वो फेदर ट्री की मार। आप बोलो कि आप इसमें पैर कहाँ रखेंगे? नहीं रखेंगे। मतलब इसकी पहले ही साल की ट्रेनिंग गलत कर दी। ट्रेनिंग किसने की? नर्सरी मैन ने गलत। क्योंकि नर्सरी मैन का ही काम होता है कि वो आपको एक अच्छा पौधा बना के दे, उसके बाद पौधा लगेगा ना जी। तो जो पहला स्ट्रक्चर है पौधे का, वो जो पहला स्टेप था, इसका नुकसान और एक चीज बताओ, ये देखो पूरी स्किन लाल हो गई है क्योंकि डायरेक्ट सन पड़ रहा है इसमें। ये बहुत अच्छी हाइट पे आई इसकी ब्रांच, यही होनी चाहिए थी। यहां जब ये उगा, यहां पर एक टूथपिक फिसानी थी, या आप ये जो कपड़े फिसाने के लिए पिने होती है उसको भी फिसा सकते थे यहाँ उस टाइम। इसका शेप को बाहर को करना था, ये कहाँ चला गया? अंदर। ये बिल्कुल ही ऐसा खड़ा हो गया। अब क्या होगा, ये फसल से भी टूटेगा, सेब से भी टूटे, उससे क्या ना, बर्फ से भी टूटेगा, और हो सकता है आपके बाहर से टूट जाए, और ये यूजलेस है। और इसका नतीजा क्या हुआ, आप देखेंगे मल्टी लीटर बन गया। जो कनोपी मैनेजमेंट की बात की जाती है, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि पौधे का आकार, रूप, स्वरूप कैसे डेवलप होगा। बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले आपने उसको चलना सिखाया, ये चलना है एक तरह का। उसके बाद उसको आपने अच्छी शिक्षा दी, समाज में उठना बैठना सिखाया, तब एक अच्छा व्यक्तित्व पैदा होता है जी, तब एक अच्छा सोसाइटी में रहने लायक बनता बच्चा। ये भी लाइक चाइल्ड है, आप इसको उस तरीके से ट्रीट करो कि इसको हमने कैसा बनाना है। और कौन सा ऐसा चीज है जी, यहां तो बच्चे धोखा दे देंगे आपको, ये नहीं देगा धोखा, गलत बोल रहा हूं। जब तक ये चलेगा ना जी, तब तक ये आपको पैसा ही देगा। तो इसको हल्के में ना ले, इसको आप एक अच्छे तरीके से ट्रीट करें। ट्रेनिंग, सिंगल लीडर और मल्टी लीडर। जब हमारी बागवानी थोड़ी नजदीक की आ गई, छोटे नजदीक नजदीक पौधे लगे, तो हमारे को सेंट्रल लीडर सिस्टम बोलो, सिंगल लीडर सिस्टम बोलो। सिंगल लीडर सिस्टम में ये हमारा एक लीडर होगा, बाकी सारी परिवार होगा, ब्रांचेस का परिवार होगा। तो वो पैरेलल कंपटीशन में नहीं जानी चाहिए। जब भी आप पहली साल का पौधा लगाए, जो पहला स्टेप हो उसको वाइल्ड करें। और जो इस टहने से ऐसे टहने होने चाहिए, आप देखेंगे ना इसको बाहर की ओर है, और कितना प्यारा टहना बनाई, ये वाला फिर गलत टहना, ये वाला फिर अच्छा टहना बना। और ये जो गैप है ये ज्यादा होना चाहिए, एक स्टेप यहां, दूसरा इधर, तीसरा उधर, अगर आप स्टेप वाली प्रूनिंग करते हैं। ये रॉयल की बात कर रहा हूं जी, क्योंकि रॉयल में स्टेप्स दूर होने चाहिए, एक ही जगह से दो नहीं होने चाहिए साथ साथ, दोनों आंखों से। सिर्फ जो निचला स्टेप है, जब आप स्टार्टिंग में चलेंगे, वहां आप अलग अलग साइड को तीन या चार टेन या पालेंगे और उसको अलग अलग कर देंगे, ताकि पौधे की शेप ऐसी, ठीक है जी। होता क्या जी, अब आप देखेंगे ये
इसकी छाया इधर, इसकी छाया इधर, इसकी छाया इधर, मगर जगह पहले से ही बाहर को होगा। देखो इसकी छाया किसी को नहीं पड़ रही, इसकी छाया इसको भी नहीं पड़ रही, और ये पूरा ओपन है। देखो ये टहना, तो सबसे पहले जो होती है प्रूनिंग को छोड़ के ट्रेनिंग पे ध्यान दो और पौधे की कैनोपी को वाइल्ड बनाओ। एक ऐसा डंडा और वहां से सारी ब्रांचें, और जो भी टहनी निकलेगी वो यहां से निकलेगी। आप देखो यहां से आपने ये निकाली, यहां से आपने ये निकाली, यहां से आपने ये निकाल दी। अब आप इससे भी एक और बनाएंगे, गलत बोलो। आपने क्या करना है, ये एक टहना हो गया और ये दूसरा हो गया, इससे तीसरा नहीं बनाना है, दो ही तक रहना है। अब बात आती है कि जी आप एक कितने टहने पाल सकते हैं। अभी मैं रॉयल की बात कर रहा हूं, अभी जो ये पौधे का स्ट्रक्चर है जी, मेरे हिसाब से जी जो इसका स्ट्रक्चर बन चुका है वो 12 बॉक्स का बन चुका है, उससे ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। 12 पेटी के लायक ये बन चुका है, फ्यूचर का, अभी का नहीं, फ्यूचर का। फ्यूचर का कैसा जी, ये एक टहना है, ये दूसरा टहना है। क्या इस टहने में 200 दाने नहीं लगे के बाद में? आराम से। अब कितने टहने जी इसमें? 12 टहने गिन लिए मैंने ऊपर तक। अब नया टहना क्यों बनाना है, नया टहना क्यों बनाना, हमने नहीं बनाना है। तो आपको ये देखना होगा जितने कम आप टहने रखेंगे उतना फायदा। फिर और एक नुकसान, यहां से बंदे ने खड़ा किया, खड़ा किया, खड़ा किया, फिर एक और एक्सपर्ट आया, ओहो ये तंदर आ गया, अब इसको कहां भेजना है, बाहर। अब क्या कर दिया यहां पे, और अब टहना ये यहां से ही, और पौधा ही खराब कर दिया। जबकि करना क्या था उसको, इसको गल फटने नीचे पहले से बड़ा है। अब खुद सोचो जो आपने अपना बच्चा लगाया है, ये तो अभी से ही मरने के कगार पे चला गया। अगर आपने कभी भी कोई टहना डाउन करना हो, कभी भी, जैसे मान लो आपने ये टहना डाउन करना, अब नीचे तो आएगा नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक आप टूल लेके यहां पर हो गया, बस एक साल के लिए या सुतुड़ी बांध लो या वहां से यहाँ डंडा फसा दो, और ये पैक हो गया। अगर आपने बाहर निकालना ना कि अगर होगा आपका प्रूनर, वो काटेगा ऐसे काटेगा, जबकि इसको बाहर करने के लिए आपको ये टेक्निक है, बस ना यहाँ पेस्ट लगाना, ये चिपक गया आपस में और ये शेप ले लेगा बाहर को। ये है सुधार अब इन पौधों में, जो जो टेन आपको ऐसे लगते कि ये बाहर को नहीं आएगी। इवन यहां पर आप इसको कट करके इसको भी आप डाउन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको जो ये आकार की बात की, इस पे कोई शक तो नहीं है किसी को, कोई नहीं जी, क्वेश्चन तो नहीं है कि पौधा कैसा बनाना है। अब दूसरी बड़ी बात आती है जी कि एक प्रूनर, तभी बोला जाता जी प्रशिक्षित होना बड़ा जरूरी है। कोई भी इस धरती के ऊपर ऐसी चीज है प्रशिक्षण के नाम पे जो फ्री में दी जाती है, है कोई, कोई नहीं है ना। आईटी में या कंप्यूटर सीखने जाना है फ्री में मिलती है नहीं। सिर्फ एक प्रूनिंग ऐसी है जो मैंने चलाई है जो फ्री में मिल रही है सबको। तो अगर आप भी नहीं सीखेंगे तो जी तब तो प्रशिक्षण का मतलब हुआ जी कि आप समझ जाओ, आपको कुछ चीजों का ये पता होना चाहिए कि कोई टहनी क्यों काट रहा हूं, आज इस टहनी को रखूंगा को तो कल को क्या बनेगा इसका, होना चाहिए ना जी ये चीजें पता। ये छोटी छोटी चीजें प्रूनर को पता होना चाहिए, ग्रोथ कहां चाहिए, पुराना बीमार रिन्यूअल पे कैसा पड़ेगा, मैच्योर्ड बर्ड कौन सा है, वीक बर्ड कौन सा है, और बर्ड का बैलेंस। अभी बात आ रही थी फ्रूट थिनिंग की, फ्रूट थिनिंग का खर्चा कब कम होगा, जब आपको बड की प्रूनिंग करना आ जाएगा।
अब एक बीमा है, एक दो तीन चार पांच उसमें आगे बीमे है, ठीक है जी। एक फूल में पांच दाने लगते हैं, पांच फूल आते हैं ना एक बीमे में, पांच पांचे पच्चीस। अब 25 दाने काटने की लेबर लगानी है, या आपने दाना रखना था एक, 25 के लिए लेबर कंज्यूम हुई। मगर अगर आपने सर्दी में ही बैलेंस बना दिया, पांच थे तीन में रिंग मार दो, दो को छोड़ दो, तब आए 10, तब आपको एक ही बर्ड की प्रूनिंग करनी है, होगी पे थिनिंग का, और साइजिंग में भी इशू नहीं आएगा। अब बड़ी बात आती है कि हमने इसमें अब सुधार क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहां पर इन्होंने बाहर को डाल दिया, किसका पौधा ये मालिक है, ये सामने है, है? किसका है? लालचंद। गोली काटा किसने था ये भाई? अब खुद की है इसने। अब इसको बाहर खींचती हूँ, कॉम ने सीधा कर दिया, इसलिए भर जाएगा जी अब ना, और ये अब सीधा चल पड़ेगा। जो भी टेन ना हो उसमें एंगल नहीं डाला जाता, मेन टेन में एंगल कहाँ डाला जाता है? साइड ब्रांच में जो बाहर की है, मेन टेन आ कभी भी गलत खराब नहीं करना। ये अब सुधार की ओर था। एक चीज और देखिएगा आप, जो ये मेन टेन आ है और ये दूसरी ब्रांच है, ये लगभग ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी है मोटाई में, ये हमेशा इसको कंपटीशन देगी। पकड़ कर सेकंड ब्रांच की खत्म कर दिया, ठीक है जी। यहाँ बट बन गया है। इस साल दो चीजें होगी जी, ये बहुत बढ़िया प्रूनिंग है, स्टब कट, एक बट यहाँ बना, एक यहाँ बना। अब हमारे लोग क्या करते जी, मैक्सिमम बीमा बन गया इसको यहाँ से काटू, या तो वो यहाँ से काट दे। ये मिच्योर्ड है फ्रूटिंग के लिए, मगर इतना मिच्योर्ड नहीं हुआ कि जैसे आप इसको यहाँ से काटेंगे ना ये भाग जाएगा, फिर टहना बन जाएगा। इस साल आपकी यहाँ सोच समझ के प्रूनिंग होनी चाहिए, या तो आप इसको छोड़ दें। इस बार यहाँ सेब लगेगा, जैसे ही बीमे के ऊपर सेब लगेगा तो वहां रिंग पड़ेगा, अगले साल आप इसको यहाँ से, या अगर आपने ये नहीं छोड़ना है, आपको लगता है यार एक गंदा लग रहा है, इस साल फिर और काटेंगे, यहां से टहनिया भागेगी और यहां पर सेब लगेगा, अगली साल आप इसको यहां से स्टॉप कर। अगर इसमें यहां सेब लगा होता तब मैं इसको इसी साल यहां से, ये दूसरी टहनी थी, इसको मैं स्टॉप कर। कभी भी ऐसे करके नहीं काटना एंगल, उल्टा जैसे आप खड़ा काटेंगे ना, जैसे को तिरछा, तो यहां सड़ेगा वो पानी से, ये कट गया खड़ा, इसमें पानी नहीं रुकेगा। अब देखो जी समर प्रूनिंग के कितने फायदे हैं। एक चीज और देखनी है आपने, आपको अगर ये लग रहा है कि मेरा पौधा हो गया अब हाइट में, तो आप इसको टॉप नहीं करेंगे। अगर आपने बड़ा बनाना है तो आप इसमें टॉप मारेंगे। ये टॉप छोटा इसलिए मारा क्योंकि ये बहुत लंबा, नहीं तो लचकीला बन जाएगा बहुत। ये मोटा रिंग था लास्ट ईयर, यहां बड़े कभी भी इसको बीमे पर नहीं काटे, स्ट्रॉन्ग काट लिया, अगले साल ये फ्रूटिंग पे आ जाएगा, अगले साल आप इसको यहां से, ये रिंग था, ये देखिए समर में रिंग काटा था, पूरे बीमे आ